हेलो एवरीवन, माय नेम इज बिलाल अहमद। वेलकम टू एटीट्यूड एकेडमी। इन दिस लाइव सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज एक्सेल, व्हाट डज इट यूज, करियर इन एक्सेल, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, आप इसको विंडोज, मैकोस, एंड्रॉयड एंड आई सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? Nowadays, Microsoft Excel is extremely valuable in the business. ये हमारा काफ़ी समय बचाता है। इन एनी काइंड ऑफ वर्क हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसको हम डेटा स्टोरिंग में, डेटा एनालाइजिंग, बिलिंग अगर आप बना रहे हैं या डेटा मैनेज करते हैं, या इन्वेंट्री स्टॉक आप मेंटेन करना चाहते हैं, फिनेंशियल रिलेटेड काम करना चाहते हैं, बिजनेस टास्क अगर आप यहाँ पे मेंटेन करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप कर सकते हैं। इवन अगर कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर हमें करनी हो तो एक्सेल में हम इजिली कर सकते हैं। अब एक्सेल में करियर की बात करते हैं, तो अगर आप इन फील्ड्स में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन क्लर्क, अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, कॉस्ट एस्टिमेटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो आपको एक्सेल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सेल सीखते हैं तो आप एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एग्जीक्यूटिव, आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको ओपन करना है तो आप यहाँ पे सिंपली विंडो की प्रेस करें और सर्च बॉक्स में यहाँ पे आप एक्सेल टाइप करेंगे, देन आपको यहाँ पे इसको क्लिक करना है, ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, आप विंडो प्लस आर की प्रेस करें। ठीक है, इस तरीके से आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक्सेल टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्क्रीन शो होने वाली है जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन कराएंगे। ये राइट साइड पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके टेम्पलेट्स हैं, कुछ बने बनाए जो एक्सेल आपको देता है, आप इनका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपना एक ब्लैंक वर्कबुक आप ले सकते हैं। लेफ्ट साइड देखेंगे, यहाँ पे आप कुछ रिसेंट फाइल्स दिखाई दे रही हैं, इन फाइल्स को हम वर्कबुक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी मल्टीपल वर्कशीट्स हैं, आप जिन पे आपने काम किया है और आपने इसको सेव किया है, तो ये फाइल्स आप इनको दोबारा यूज करना चाहते हैं, रिसेंट फाइल्स को, तो आप इन पे क्लिक करके सिंपली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप अपना ब्लैंक वर्कबुक लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ब्लैंक वर्कबुक शो होगी, जहां ऊपर अगर आप देखें तो ये आपका टाइटल बार है, लेफ्ट साइड पे ये आपके टूल्स जो शो हो रहे हैं, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ ऐड कराना हो तो आप ऐड करा सकते हैं, रिमूव कराना हो तो आप उस टूल्स को रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, ये आपको नीचे जो टैब्स दिखाई दे रही हैं, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है, इन टैब्स में आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जो आप एक्सेल में काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिबन भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ हम जो काम करते हैं वो रोज एंड कॉलम्स में करते हैं, और एक रो और एक कॉलम मिलकर आपका एक सेल बनता है जिसमें आप वर्क करते हो। तो अगर आप किसी सेल को पे काम करना चाहते हैं तो आप सिंपली उस सेल पे क्लिक कीजिए और आप उस पर डेटा एंटर कर पाएंगे। ठीक है, गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर जो हम फाइल सेव करते हैं उसको हम वर्कबुक बोलते हैं, और यहाँ जो हमारे पेजेस हैं, जैसे एमएस वर्ड में हम पेजेस पे काम करते हैं, ये यहाँ पर जो हम काम करते हैं इसको वर्कशीट बोला जाता है। ठीक है, ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ए बी सी डी में दिखाई दे रहे हैं, इसको हम कॉलम्स बोलते हैं, और जो यहाँ नंबर्स में दिए हुए हैं, जैसे 1, 2, 3, ये हमारी रोज है। अगर आप सिंपली किसी कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे, ये पूरी एंटायर कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा। इसी तरीके से आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपकी रो भी सेलेक्ट हो जाएगी। इनकी शॉर्टकट की भी है हमारे पास एक्सेल में, आप शिफ्ट स्पेस का इस्तेमाल करेंगे रो को सेलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल स्पेस का इस्तेमाल करेंगे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ हमारी जो टोटल नंबर ऑफ रोज है, यहाँ 10,48,576 है, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास 16,384 है, ताकि हम सिंपली बड़े से बड़ा डेटा यहाँ पे स्टोर कर पाए। जो हमारी यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन है वो है .xlsx।
ठीक है गाइस, अगर हम नीचे जाना चाहते हैं लास्ट रो पे, तो आप एरो डाउन एरो की का इस्तेमाल करके जा सकते हैं, बट आप नीचे तक जाएंगे तो बहुत ज्यादा रो है, आपको वक्त लग जाएगा, तो आप कंट्रोल डाउन की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल डाउन की का इस्तेमाल करेंगे तो ये लास्ट रो पे चले जाएगा। इसी तरीके से आप कंट्रोल अप की का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ऐसे अगर आपको राइट साइड जाना हो, यानी कॉलम्स की तरफ बढ़ना हो, तो आप कंट्रोल राइट की का, तो आप सीधे लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे। ठीक है गाइस, आपको किसी सेल में सिंपल डेटा एंट्री करनी है, आपको सिर्फ उस सेल पे क्लिक करना है, आप उस सेल में एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप उसको सेल को दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आप इसको एडिट कर पाएंगे। ठीक है, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, आप चाहें F2 भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इस समय अगर एक्सेल में वैल्यूज को एडिशन करना है, वैल्यूज का एडिशन करना है, उन्हें जोड़ना है, तो यहाँ पे हम फंक्शन भी है और हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सेल ने जो फंक्शन दिया है वो इक्वल सम का फंक्शन है। यहाँ पर आप इक्वल जरूर लेंगे कोई भी फंक्शन लगाने से पहले, ठीक है, या आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो आप इक्वल का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है, देन आप फॉर्मूला देखो नीचे आ गया, आप यहाँ से टैब पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे जिसका भी सम चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल सेल जाननी है कितनी है, तो मैं पूरी टोटल सेल इस तरीके से पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहां मुझे इसने टोटल सेल बता दी। ठीक है, आप चाहे मैनुअली भी कर सकते हैं, इक्वल सबसे पहले इक्वल आप जरूर लगाए, देन उसके बाद वन बाय वन आप ऐड कराते चलेंगे तरीके से। ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर सब्ट्रैक्ट करना हो किसी वैल्यूज को आपस में, तो आप यहाँ पे माइनस साइन का यूज करेंगे उन वैल्यूज के बीच में। यहाँ पे एक्सेल में हमें कोई फंक्शन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट में, तो इसलिए यहाँ पर आपको अगर किसी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कराना हो तो आप माइनस साइन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर प्रॉफिट जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टोटल सेल माइनस डिस्काउंट मैंने लेस किया, देन मुझे देखिए ये प्रॉफिट आ गया इस साइड पे। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? मल्टीप्लाई के लिए आप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो स्टार का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब वो जो ऊपर वैल्यूज दी गई हैं इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, देन स्टार एंड सेकेंड वैल्यू, मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करके इसने दे दिया। ठीक है, आप प्रोडक्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये आपने प्रोडक्ट लिखा, नीचे फॉर्मूला आ गया, टैब से सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसके बाद आपको सिंपली कुछ इस तरीके से रेंज ले लेनी है, जितने भी नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना हो उसे आप रेंज ले लें। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे ये आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। डिवीजन अगर आपको करना हो तो आप डिवीजन के लिए भी स्लैश का यूज कर सकते हैं वैल्यूज के बीच में, या अगर आप कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, तो इसमें हमारे पास एक्सेल में कोई फंक्शन नहीं है डिवीजन के लिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे डिवीजन लिखा भी था तो मुझे नहीं दिखाई दिया। मुझे अगर डिवाइड करना है वैल्यूज को तो आप सेलेक्ट करें स्लैश, या हम डिवाइड के इस्तेमाल के लिए स्लैश का यूज करने वाले, दूसरी वैल्यू लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, इस मैक्सिमम अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो या हमें मिनिमम फाइंड करने को बोला जाए तो हम किस तरीके से, अगर डेटा हमारे पास शॉर्ट में है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट डेटा हमारे पास कुछ ज्यादा हो और वहां हमें बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड करना हो तो गाइज हमें बहुत वक्त लग जाना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू जाननी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूँ मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ पे आप रेंज ले लेंगे प्रॉफिट वाले कॉलम में आके, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो
मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो आया है वो 1538 आया है, और मिनिमम अगर मुझे जानना हो तो यहाँ पे मिनिमम के लिए MIN का यूज करेंगे मेन। देन इसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे टोटल सेल में से मुझे जानना हो कि मेरी मिनिमम सेल कितने आएगी, तो टोटल सेल वाली में रेंज ले लूंगा, तो मिनिमम सेल जो है मेरी वो है 57 रुपए की। ठीक है, अगर मुझे एवरेज एवरेज प्रॉफिट जानना हो या एवरेज सेल जानना हो तो मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से पहले फॉर्मूला जरूर सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट वाली रेंज ले लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये देखिए, तो मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आया है पर आइटम पर, तो वो 370.74 रुपए करीब, इतना मेरा एवरेज प्रॉफिट रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ काउंट फंक्शन देखने वाले हैं। इस काउंट नाम से पता चल रहा है कुछ काउंटिंग के लिए, जहां हम नंबर्स की काउंट करने हो तो हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ नंबर्स काउंट करने हैं, तो मैं एक ये रेंज ले लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो इसने मुझे बता दिया कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 5। तो इसने टैक्स को नहीं काउंट किया है। ठीक है, अगर आप टैक्स भी काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट का यूज करेंगे। ठीक है, काउंट यानी काउंट ऑल, अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन का यूज करेंगे तो आप टैक्स को भी काउंट कर पाएंगे, नंबर्स को भी काउंट कर पाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी काउंट कर पाएंगे, स्पेस को भी काउंट कर पाएंगे, बट ये ब्लैंक सेल्स नहीं काउंट करेगा। मैं यहाँ काउंट आ, ये मैंने रेंज ले ली, एंटर प्रेस करूंगा। देखिए, तो इसने मुझे टैक्स भी काउंट करके दिया, नंबर भी काउंट करके दिया, स्पेशल कैरेक्टर्स भी काउंट करके देगा, इवन यहाँ इस सेल में मैंने स्पेस रखा था तो मुझे इसने स्पेस भी काउंट किया, और ये सेल ब्लैंक सेल था तो इसने मुझे ब्लैंक सेल काउंट करके नहीं दिया। ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए आप यहाँ पे काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। अगर मुझे जानना है कि किसी रेंज में ब्लैंक सेल्स कितने हैं तो आप यहाँ पर सेल इस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक सेल है वो ये वाला है, तो इसने हमें एक सेल काउंट करके दे दिया। ठीक है गाइस, चलिए काउंट इफ और काउंट इफ देख लेते हैं। गाइस, काउंट इफ फंक्शन का यूज कहाँ होगा, जब आपको कोई कंडीशन आपके सामने रख दी जाए। किस तरह की कंडीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि आपको सिर्फ पेंसिल्स काउंट करनी है। ठीक है, उस केस में आप काउंट इफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, काउंट इफ आपने लिया, सेलेक्ट कर लेंगे टैब से, सबसे पहले आपसे पैरामीटर्स में रेंज पूछेगा, तो आप रेंज बता दो, यहां आप यहां इस रेंज से आपको काउंट करना है, कॉमा, देन आपसे क्राइटेरिया पूछने वाला है, तो क्राइटेरिया में आप पेंसिल ले लेंगे, तो आप पेंसिल काउंट करना चाहते हैं, आप सेल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप इस तरीके से यहां लिख सकते हैं। ठीक है, कोट्स में आप यहां दे देंगे पेंसिल, एंटर। देखिए, इसने मुझे बता दिया कि यहां पे जो पेंसिल्स हैं वो कितनी है, 8। तो एक बार गिन के देखते हैं मैनुअली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, काउंट इफ्स का इस्तेमाल कहाँ होगा, काउंट इफ्स का इस्तेमाल वहां करना है फ्रेंड्स जहां पर आपको एक से ज्यादा क्राइटेरिया पर आपको काउंट करना हो, एक से ज्यादा कंडीशन आपको दे रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला हो आपको वो पेंसिल्स काउंट करनी है जो ईस्ट रीजन में सेल की हो। ठीक है, काउंट इफ्स, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 बताना है आपको, कॉमा, देन क्राइटेरिया 1, तो यहाँ पे आप सीधे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर सेल में कहीं लिखा रहा हो तो मैं यहीं से सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे ईस्ट एरिया की पेंसिल्स काउंट करनी है, तो फिर यहाँ पे सेकंड रेंज लेंगे क्राइटेरिया रेंज 2, फिर कॉमा,
यहाँ से मुझे क्राइटेरिया टू क्या देना है, पेंसिल। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या दिया, क्राइटेरिया रेंज वन यानी रीजन की रेंज देनी है, और इस रेंज में मुझे बताना है कि मुझे ईस्ट रीजन की पेंसिल्स को काउंट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ईस्ट सेलेक्ट किया, आप चाहे मैनुअली जैसे हमने ऊपर लिखा था इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपको यहाँ से आइटम्स में से पेंसिल काउंट करनी है, तो यहाँ से आप रेंज लेंगे और वहां पे से पेंसिल सेट कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए यहाँ पे जो ईस्ट में पेंसिल बेची गई है वो दो बार बेची गई है। ठीक है, इस तरीके से गाइस सम इफ और सम इफ का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं हम एक्सेल में। सम इफ जब हमें बोला जाए सम करने के लिए कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, तो जब एक कंडीशन की बात आए तो यहाँ पे हम सम इफ का यूज करेंगे, जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन की बात आए तब हम सम इफ का यूज करते हैं। ठीक है, इक्वल सम इफ एफ से सिलेक्ट, सबसे पहले आप यहाँ पे रेंज ले लो, तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है मुझे सिर्फ पेंसिल मैंने कितने की सेल की है, मुझे उनका टोटल चाहिए, तो मैं यहाँ पे रेंज ले लूंगा। देन क्राइटेरिया में आप यहाँ पे पेंसिल, ठीक है, पेंसिल डाल दो, और सम रेंज में आपको वो रेंज बतानी है जिसका आपको टोटल चाहिए, तो मुझे सेल का टोटल चाहिए तो मैं सेल की रेंज ले लूंगा। ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए तो टोटल पेंसिल जो हमने सेल की है वो 1800 करीब 22 रुपए की समथिंग हमने सेल की है। तो यहाँ हमारे पास एक ही कंडीशन थी कि हमें सिर्फ पेंसिल की सेल का टोटल चाहिए। अगर हमें बोला जाता कि हमें ईस्ट रीजन की जो पेंसिल सेल हुई है उनका टोटल चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे हमें एक से ज्यादा कंडीशन हमें आ गई हमारे सामने, तो हम सम इफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर टोटल सेल यानी सम रेंज में टोटल सेल ले लेंगे, टेन कॉमा सेकेंड पैरामीटर्स में आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज वन यहाँ पे आप रीजन ले लें कॉमा, तो रीजन में आपको यहाँ पे ईस्ट रीजन चाहिए, क्राइटेरिया में आप बता देंगे क्राइटेरिया वन कॉमा, फिर आपसे ये पूछेगा क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज टू में यहाँ से आपको आइटम्स में से पेंसिल की सेल का सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेंसिल ले लो, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए हमने क्या पूछा, एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने सम रेंज दी है, देन फिर क्राइटेरिया रेंज वन हमने बताया है कि ये हमें रीजन में से ईस्ट रीजन की सम चाहिए, इसके बाद यहाँ पे हमने क्राइटेरिया टू के अंदर हमने पेंसिल जो हमने सेल किए वो हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्राइटेरिया रेंज ले लेंगे, देन उसके बाद क्राइटेरिया दे देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो इसने हमें ईस्ट रीजन में जो हमारी सेल आई है पेंसिल को बेचकर, तो वो हमें इसने बता दिया। एक बार मैनुअली करके देखते हैं ताकि हमें आंसर चेक कर सके। इक्वल ईस्ट में जो पेंसिल सेल की गई है ये की गई है, तो एक इसको आपने लिया एंड प्लस, और एक यहां सेल की गई है तो आपने ले लिया, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। आगे चलते हैं, पावर फंक्शन का यूज देखते हैं। गाइस पावर आपने किसी आपने स्कूल में पावर का इस्तेमाल काफी किया होगा, जब आप किसी नंबर की पावर्स निकालते थे उससे मल्टीप्लाई करते थे, कुछ इस तरीके से आप करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 की पावर 10 बोला जाए तो मैं यहाँ पर 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया करता था। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज करके भी निकाल सकते हैं और मैनुअली इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बस गाइस अगर हमें बोला जाए कि पावर यहाँ पे 100 है तो हमें इस तरीके से 100 तक मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पावर फंक्शन का यूज करने वाले। पावर टैब से सिलेक्ट, सबसे पहले आपको यहाँ नंबर आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से नंबर डाल भी सकते हैं। तो मुझे 2 की पावर कॉमा कितनी चाहिए, मैं यहाँ पे 15 लिख देता हूँ,
टू की पावर 15 इसका कैलकुलेशन से मुझे करके दे दिया, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, तो इक्वल एस क्यू आर टी, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप कोई भी नंबर ले लो ब्रैकेट ये, तो मुझे इसने इसका स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया। चलिए हम राउंड फंक्शंस पे आते हैं। राउंड फंक्शंस, आप जब किसी वैल्यू को राउंड कराना चाहते हैं तो आप राउंड फंक्शंस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस तरीके से वैल्यू आ रही हो आपकी, जैसे यहाँ पे 363.7 यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, तो आप इस वैल्यू को राउंड कराना चाहते हैं तो आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वैल्यू हमारी 0.5 से ज्यादा है, ठीक है, राइट साइड जो वैल्यू आ रही है वो 0.5 से ज्यादा है, तो हमारी राउंड फंक्शन इसको अपवर्ड राउंड करने वाला है, और अगर 0.5 से कम होगी तो इसको राउंड डाउन करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर राउंड फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले नंबर लेना है, जनाब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट राउंड करना चाहते हैं यहाँ पे आपने दे दिया, तो मुझे लास्ट में जीरो डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पूरा राउंड कर रहा हूँ इसको। आप यहाँ पे जीरो की जगह वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक डिजिट या दो डिजिट आप राउंड करने हो यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। आपने एंटर प्रेस किया, ये देखिए, तो यहाँ पे 0.5 से बड़ी वैल्यू थी तो इसने मुझे राउंड अप किया है, और अगर 0.5 से कम होती तो ये मुझे राउंड डाउन वैल्यू उठा के देता, यानी यहाँ पे मुझे 363 कर देता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू राउंड अप ही चाहिए, अगर आपकी वैल्यू चाहे 0.5 से कम हो या 0.5 से ज्यादा हो, आपको राउंड अप करना हो तो आप राउंड अप का यूज करेंगे। एक बार करके देखते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर हम देखें इस ये वैल्यू जो है 0.5 से कम है, बट हम इसको राउंड करना चाहते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद मुझे जीरो डिजिट चाहिए, तो मुझे पूरी पॉइंट के बाद जितने भी आ रहे हैं डेसिमल से पूरे राउंड करने, इंटरफेस करूंगा, देखिए। तो जबकि 0.5 से कम थी तब भी इसने हमें राउंड अप यानी वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है। अगर 0.5 से ज्यादा हो वैल्यू, जैसे यहां पर दे रखी है, ठीक है, 1821.91 पैसा, यहाँ पे हम इसको राउंड डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम राउंड डाउन का यूज करेंगे। अगर हम राउंड फंक्शन का यूज करेंगे तो ये वैल्यू अप ही लेने वाला है, ठीक है, और अगर हमें डाउन वैल्यू चाहिए हो तो हम राउंड डाउन का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। पहले तो नंबर ले लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट आपको कितने राउंड करने हैं, कुछ जीरो, ठीक है, ये देखिए, तो इसने 0.5 की वैल्यू को पूरा राउंड कर दिया, ठीक है। चलिए, मैथमेटिकल फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं, अब आगे चलते हैं लॉजिकल फंक्शंस पर, ठीक है। लॉजिकल फंक्शंस में हमारे कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, इफ फंक्शन, नेस्टेड इफ, एंड और एंड इफ एरर। इस इफ फंक्शन का इस्तेमाल हमारा बहुत इस्तेमाल करते हैं हम इफ फंक्शन को अपने कामों में। इफ फंक्शन हम वहां यूज करेंगे जहां पर हमें कंडीशन के हिसाब से हमें अपने रिजल्ट शो कराने हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करूँ और मैं कहूँ कि ये सेल बराबर है इस सेल के, तो यहाँ पे मुझे ये ट्रू में जब शो कराएगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, और फॉल्स होगी तो फॉल्स शो कराएगा। जैसे यहाँ पे इसने मुझे ट्रू शो कराया है, क्यों, क्योंकि 50 इज इक्वल्स टू 50। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इस नंबर को, ये देखिए फॉल्स में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पर आपको ये जो कंडीशन के साथ जो भी आप यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो वो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। अगर आप अपने हिसाब से रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इफ फंक्शन का यूज करें, ठीक है। यहाँ मैंने इफ फंक्शन लगाया, टैब से सिलेक्ट, तो मुझे क्या लॉजिकल टेस्ट कराना है, यहाँ पे मुझे जो कंडीशन टेस्ट करानी है कि ये सेल बराबर है इस सेल के, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट मैंने दे दिया कॉमा, देन आपसे पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या आंसर शो कराए, यस। तो आप इस तरीके से कोट में
दे देंगे, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये मुझे ये आंसर शो कराएगा, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे ये नो शो कराएगा। इसमें से या तो कंडीशन आपकी ट्रू हो सकती है या आपकी कंडीशन फॉल्स हो सकती है, दोनों कभी नहीं हो सकती, आपका एक ही इसमें से रिजल्ट ही उठाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहला रिजल्ट यानी यस उठाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो या दूसरा रिजल्ट यानी नो उठाएगा। तो कंडीशन हमारी ट्रू है इसलिए हमें इसने यस में आंसर शो कराया, ठीक है। अगर मैं कंडीशन यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 50 इज नॉट इक्वल टू 45 कर दिया, तो इसने मुझे यहाँ पे नो में आंसर दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेस्टेडिव, गाइस नेस्टेडिव एक कोई फंक्शन नहीं है, बट इफ के अंदर अगर हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं या किसी अदर फंक्शन का यूज करते हैं तो हम उसको नेस्टेडिव बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने नीचे एक रिजल्ट शीट बनाई हुई है, ठीक, ये ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डेटा है, उनके टोटल मार्क्स जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, और मुझे यहाँ पर रिजल्ट और ग्रेड निकालने हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास दो ही पैरामीटर्स हैं, सच फॉर एग्जाम्पल पास और फेल, और ग्रेड में हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं, जहां हम इनको कई सारे ग्रेड में डिफाइन करने वाले हैं, जैसे डी ग्रेड, सी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रिजल्ट के लिए इफ फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमें ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले इफ फंक्शन लगाना है, देन लॉजिकल टेस्ट हम क्या करा रहे हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स लेस देन 250 हैं, बच्चे के टोटल मार्क्स लेस देन 250 है, अगर ये ट्रू है कंडीशन तो स्टूडेंट फेल है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी बच्चे के मार्क्स 250 से लेस देन नहीं है तो बच्चा पास है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो। जब हमें रिजल्ट दो ही पैरामीटर्स में शो कराना हो, ठीक है, तो इस केस में हम यहां पर सिंपल एक फंक्शन का यूज करेंगे। और जब हमें यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स की बात आ जाए, हमें यहाँ पे कई सारे लॉजिकल टेस्ट कराने हैं, तो यहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। इफ टैब से सेलेक्ट, तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट कराना है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स इज लेस देन 150 कॉमा ये ट्रू है तो हम स्टूडेंट को डी ग्रेड में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और फॉल्स हो तो फिर ये नेक्स्ट क्राइटेरिया में इसको ढूंढे। तो यहाँ पे मुझे लॉजिकल टेस्ट फिर से कराना है कि अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स टोटल मार्क्स इज लेस देन 150 नहीं है या फिर लेस देन 250 हो तो हम इसको सी ग्रेड में कंसिडर करने वाले हैं, अगर ये ट्रू हो कंडीशन। फिर ये आपसे वैल्यू फॉल्स पूछेगा, फिर यहाँ आप इफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस साइड आप क्या लॉजिकल टेस्ट करना चाहते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स लेस देन 350 हो, ठीक है, ये अगर कॉमा प्रेस करेंगे तो पूछेगा आपसे वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है इस क्राइटेरिया में लाई करता है तो इस केस में हम इसको बी ग्रेड नोट करेंगे, ठीक है। कॉमा फिर ये आपसे वैल्यू इफ फॉल्स पूछेगा, फिर आप इफ फंक्शन का यूज करें यहाँ, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हम इफ फंक्शन को इफ फंक्शन के अंदर ही इफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इसी को हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो एक हमारा लास्ट पैरामीटर है ए ग्रेड, तो हम इसको देंगे उन स्टूडेंट्स के देंगे जिनकी वैल्यू जो टोटल मार्क्स की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 500 है। हो सकता है ना इक्वल्स क्यों रखा है मैंने, हो सकता है बच्चे के पूरे ही मार्क्स हो। कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में आप यहाँ पर ए ग्रेड इसको देने वाले हैं, ठीक है। अगर इन क्राइटेरियाज में वो कहीं लाई नहीं करता है तो मुझे वैल्यू फॉल्स, तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक दिखा दे। आप इस तरीके से डबल कोट्स में कुछ नहीं देंगे तो ब्लैंक शो कराएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज करने हैं, देखिए यहाँ पे आपने यहाँ पे चार ब्रैकेट ओपन किए थे तो आपको ब्रैकेट भी चार यहाँ पे क्लोज करने होंगे। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इफ फंक्शन लगा सकते हैं, बच्चे के मार्क्स यहाँ पे 350 से अबव थे और 500 से लेस देन थे, ठीक है। तो इसलिए ये ए ग्रेड में लाई करा, ठीक है।
आप नीचे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, आप सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट करें रेंज माउस से, देन कंट्रोल टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये सब जगह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे निधि के मार्क्स बहुत कम थे, तो यहाँ पे उसको सी ग्रेड मिला है और वो रिजल्ट में फेल आई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इसको फिर देख लेते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, F2 प्रेस करेंगे या डबल क्लिक भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या टेस्ट कराया है कि लॉजिकल टेस्ट में हमने ये टेस्ट कराया है कि 150 से मार्क्स कम है तो डी ग्रेड इसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रू होगी ये कंडीशन, 150 से कम हो दिखाई देंगे तो इसको डी ग्रेड दिखाएगा। ठीक है, देन ये आपसे वैल्यू फॉल्स में हमने एक और इफ फंक्शन लगाया कि अगर ये इस क्राइटेरिया में नहीं आता है तो ये फिर यहां आ सकता है कि 250 से कम हो सकते हैं इसके मार्क्स, तो हम इसको सी ग्रेड देने वाले हैं। ठीक है, देन फिर कॉमा, अगर सी ग्रेड इस क्राइटेरिया में नहीं आता है तो फिर ये थर्ड क्राइटेरिया में हो सकता है, तो यहाँ पे हमें 350 से लेस देने हैं तो हम इसे बी देने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सिक्वेंस में पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, देन आप यहां पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड फंक्शन एंड और फंक्शन हमारे यह भी कंडीशंस के हिसाब से हमें इसको यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जहां हमें सारी कंडीशन सारी जो भी हम टेस्ट करा रहे हैं अगर हमें वो ट्रू चाहिए तो उस केस में हम एंड फंक्शन का यूज करेंगे। और फंक्शन यानी यदि अगर आप इस फंक्शन का यूज करते हैं तो उस केस में आपकी कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपको ट्रू में देने वाला है आंसर। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका हमें वीजा इशू करना है, तो इसलिए हमारे पास तीन चीजें उन्होंने, तो हमें तीन पैरामीटर्स पे इनको देखकर हमें इनको वीजा इशू करना है, तो तीनों ट्रू होंगे तभी हम इनको वीजा अगर देने वाले हैं तो हम एड फंक्शन का यूज करेंगे। और अगर इनमें कोई एक ट्रू हो या एक से ज्यादा ट्रू हो तब हम इनको वीजा इशू करने वाले हैं, तब हम और का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये तीनों चीजें अगर इनके पास अवेलेबल हैं तो हम इनको वीजा देने वाले हैं, अदरवाइज नहीं देने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंड फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले एंड फंक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपसे लॉजिकल वन पूछ रहा है तो हमें लॉजिकल टेस्ट वन क्या कराना है कि इनके पास पासपोर्ट अवेलेबल हो, दिस सेल इज इक्वल टू यस। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हो, आधार भी इनके पास अवेलेबल हो, इस तरीके से लॉजिकल फॉर्म है। यहाँ पे इनपे पैन कार्ड भी अवेलेबल हो, एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको फॉल्स में आंसर शो करा रहा है। अब ये आपको आंसर ट्रू या फॉल्स में ही देगा। ठीक है, अगर आप इसकी जगह कुछ और रिजल्ट दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंड से पहले इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ एफ से सेलेक्ट, तो ये पूरा एंड फंक्शन मैंने एक लॉजिकल टेस्ट में रख दिया, देन लास्ट में आऊंगा कॉमा, अगर ये ट्रू है तो मैं यहाँ पे अलाउ करना चाहता हूं। ठीक है, और ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं यहाँ पे डिस अलाउ शो करने वाला हूं, ये नॉट अलाउ भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे तक इसको शिफ्ट से नीचे ले जाएंगे और ट्रैक देंगे कंट्रोल डी से, तो ये नीचे डाउनवर्ड ड्रैग हो जाएगा, सब जगह फॉर्मल अप्लाई हो गया। तो इसने यहाँ सबसे पहले क्या देखा, इसने देखा यहाँ पे इसके पास पासपोर्ट अवेलेबल है, इसके पास आधार नहीं अवेलेबल है, ठीक है, पैन अवेलेबल है। तो हमने अगर एंड फंक्शन का यूज किया है तो हमें सभी कंडीशन यहाँ ट्रू चाहिए तभी हमें ट्रू में आंसर शो कराएगा, और ट्रू होगी कंडीशन तो हमें अलाउ कहेगा और अगर फॉल्स होगी तो नॉट अलाउ कहेगा। तो यहाँ पर हमें तीनों कंडीशन नहीं ट्रू बैठी क्योंकि यहाँ पे इसके पास पैन कार्ड अवेलेबल सॉरी आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है,
तो इसने मुझे नॉट अलाउड शो दिखा दिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये आधार शो करा देता है तो ये ऑटोमेटिकली तीनों कंडीशन इसकी ट्रू हो गई तो ये हमें अलाउ में शो करा देगा। ठीक है, चलिए और फंक्शन का यूज करके देखते हैं। और फंक्शन हम जब यूज करेंगे जब हमें कोई एक कंडीशन ट्रू दिखानी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोला जाए अगर इन तीनों के पास इसमें से कोई भी एक चीज अवेलेबल है तो आप इसको वीजा इश्यू करेंगे यानी अलाउ करेंगे, अदरवाइज नॉट अलाउ करेंगे। तो उस केस में आप यहाँ पे और फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहला लॉजिकल टेस्ट वही करा रहे हैं, इसके पास या तो पासपोर्ट अवेलेबल हो कॉमा देन लॉजिकल टेस्ट टू में, या फिर इसके पास आधार अवेलेबल हो लॉजिकल टेस्ट थ्री में, या इसके पास पैन कार्ड अवेलेबल। ठीक है, ये भी आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा। अगर आप इसकी जगह अलाउ दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे इससे पहले ये फंक्शन लगा लेंगे। ठीक है, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू देन आप अलाउ दिखाएंगे देन वैल्यू ऑफ फॉल्स आप नॉट अलाउ दिखाएंगे। इस तरीके से नीचे तक इसको कंट्रोल शिफ्ट नीचे इसको ड्रैग करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो इस पॉइंट से भी इसको क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगर कोई एक चीज भी इसके पास अवेलेबल होगी तो और फंक्शन इसको ऑटोमेटिकली अलाउ में चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर निधि के पास सिर्फ पासपोर्ट अवेलेबल था तो इसने इसको अलाउ किया हुआ है ना। यहाँ पे इसके पास तीनों ही अवेलेबल नहीं थी तो उस केस में इसको नॉट अलाउ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गए एंड और फंक्शन। चलिए आगे चलते हैं इफ एरर। इस इफ एरर यहाँ एरर किससे रिलेटेड बात हो रही है, अगर आपके पास यदि आपके पास एरर आ जाए तो आप वहां मतलब ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, अगर आपको एरर दिखा दे तो आप उसके हिसाब से क्या दिखाना है मतलब क्या रिजल्ट दिखाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 120 को डिवाइड करना है दो से, 120 तो स्लैश का साइन का यूज करूंगा एंटर। ये देखिए 120 को दो से डिवाइड किया तो आपका 60 आ गया आंसर। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको जीरो से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर एरर बदल जाएगा क्योंकि जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उस केस में मुझे एरर की जगह कुछ और शो कराना हो तो मैं यहाँ पर इफ एरर का यूज कर सकता हूँ। इक्वल के बाद यहाँ पर इफ एरर लगा देंगे इस तरीके से, टैब से सेलेक्ट करेंगे फॉर्मूला। तो ये वैल्यू अगर मेरी एरर बनती है लास्ट में आएंगी कॉमा तो ये आपसे पूछेगा वैल्यू इफ एरर, अगर ये वैल्यू हमारी एरर बनती है तो आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मिस्टेक दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड। ये देखिए जब ये यहाँ पे एरर दिखाएगा तो यहाँ पे ये मिस्टेक दिखाने वाला है, और अगर यहाँ पर एरर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट शो कराएगा। ठीक है, चलिए आज हमने जो चीजें कवर की हैं देख लेते हैं एक बार। आज हमने यहाँ पर आपको मैथमेटिकल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस, एक्सेल का इंट्रो दिया है और इसका इस्तेमाल और हमारे करियर में ये कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, हमने चार चीजें कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।